हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम आपको फिर से लिए चलते हैं एक नई मंजिल की ओर। इस 35 किलोमीटर लंबे सफर में आप जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर ब्यूटीफुल व्यूज। ये पीले सरसों के खेत मुझे पंजाब की याद दिला देते हैं, बट मेरे दोस्त ये मध्य प्रदेश है। एंड इट्स नॉट ओनली अ ब्लॉग, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरीज एंड द एक्सपीरियंस वी ऑल कलेक्ट। वो मंजिल ही क्या जो पथरीले रास्तों से ना गुजरे। फाइनली एक लंबे सफर के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए बटेश्वर। मूल रूप से ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इन मंदिर समूह का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने करवाया था। बटेश्वर गुर्जर और प्रतिहारों द्वारा बनाया गया 200 मंदिरों का समूह है। भारत में कहीं और एक ही जगह पर इतने मंदिर नहीं बने। 13वीं शताब्दी में भूकंप या फिर कुछ मुस्लिम बलों के द्वारा ये मंदिर नष्ट हो गए थे। 2004 में सभी खंडों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। हर एक मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। बलुआ पत्थर से बने अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। इन मंदिरों को दोबारा से संवारने का श्रेय चंबल के डाकू निर्भय गुर्जर को जाता है। इन्हीं के कारण मंदिर की मूर्तियां और मंदिर सुरक्षित रहे, वरना स्मगलर इन मूर्तियों को उठाकर ले जाते। ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और मां शक्ति को समर्पित हैं। अब इन मंदिरों को देखने से ये नहीं लग सकता कि इन्होंने कुदरत की मार और आक्रमण को झेला होगा। एंड द क्रेडिट गोज टू आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद। And literally, I am enjoying every moment of this trip. Apart from this, it's a small celebration. Our artist friend become India Book of Record holder. You can check his work on Instagram. पड़ावली, ये बटेश्वर से लगभग 200 मीटर दूरी पर स्थित है। टेल्स रिलेटेड टू समुद्र मंथन, कृष्ण लीला, वेडिंग ऑफ गणेश, डेथ डांस ऑफ शिवा आर ब्यूटिफुली स्कल्प्टेड हियर। Probably ये ब्लॉग न्यू ईयर पे अपलोड होगा, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज। कीप सपोर्टिंग मी एस यू ऑलवेज डू। लव यू ऑल। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप इज दिस व्यू, इट्स अमेजिंग। अब ऊंचाइयों से डर ही नहीं लगता, एक बार आ जाओ तो जाने का मन ही नहीं करता।
अब जाने का समय हो गया है, वरना ठंड कुल्फी जमा देगी। एंड वन थिंग, इफ यू आर न्यू हियर गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स रियली मोटिवेट मी। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर अमेजिंग कंटेंट। जितना आने की खुशी होती है उतना ज़्यादा दुख लौटते टाइम होता है। ना जाने कब ये दोबारा मौका मिले जब इकट्ठे सब लोग मिले। फ्रेंड्स के साथ घूमने का मज़ा कुछ और ही है। सो आई एम गोना शेयर सम क्लिप्स, होप यू गाइस एंजॉय इट। तेरे ज़ुल्फ़ों की ये नमी, तेरी आँखों का ये नशा, यहाँ खो भी जाऊँ तो मैं क्या कसूर है मेरा, क्यों ये अफसाने इन लम्हों में खो। अब दिल में तुम हो छुपी, हम हैं सहर की परछाइयां। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।